धन्यवाद कार्यक्रम देशवासी को मनर कथा कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा, आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा, जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी तो देखिए, मुझे तो मतलब आशीर्वाद मिले तो। अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी हैं, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है, और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है, तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माता जी को पांव छू के आए देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी जी। हाँ और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया जी। लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जी जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के साथ ही आज से त्योहारों का माहौल फिर एक बार नए उमंग, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नए संकल्प से भर जाएगा। फेस्टिवल सीजन है ना, आगे कई हफ्तों तक देश भर में त्योहारों की रौनक रहेगी। हम सभी नवरात्रि महोत्सव, गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, अनगिनत त्योहार मनाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहारों में परिवार के सब लोग साथ आएंगे, घर खुशियों से भरे होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन त्योहारों की खुशियों से वंचित रह जाते हैं, और इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। शायद ये कहावत
सिर्फ शब्द नहीं है, हम लोगों के लिए एक आदेश है, एक दर्शन है, एक प्रेरणा है। सोचिए, एक तरफ कुछ घर रोशनी से जगमगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी के सामने आसपास कुछ लोगों के घरों में अंधेरा छाया होता है। कुछ घरों में मिठाइयां खराब हो रही होती हैं, तो कुछ घरों में बच्चे मिठाई को तरसते हैं। कहीं अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं होती, तो कहीं तन ढकने की मशक्कत चलती है। क्या इसे चिराग तले अंधेरा नहीं कहेंगे? यही तो चिराग तले अंधेरा है। इन त्योहारों का असली आनंद तभी है जब ये अंधेरा छटे, ये अंधेरा कम हो, उजियाला फैले, हम वहां भी खुशियां बांटे जहां अभाव है, और ये हमारा स्वभाव भी हो। हमारे घरों में मिठाइयों की, कपड़ों की, गिफ्ट्स की जब डिलीवरी इन हो, तो एक पल डिलीवरी आउट के बारे में भी तो सोचें। कम से कम हमारे घरों में जो अधिकता में है, जिसको अब हम काम में नहीं लेते, ऐसी चीजों की तो डिलीवरी आउट जरूर करें। कई शहरों में कई एनजीओज, युवा साथियों के स्टार्टअप्स ये काम करते हैं। वो लोगों के घरों से कपड़े, मिठाइयाँ, खाना सब कुछ इकट्ठा कर जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ करके उन तक पहुंचाते हैं और गुमनाम गतिविधि करते हैं। क्या इस बार त्योहारों के सीजन में पूरी जागरूकता और संकल्प के साथ इस चिराग तले अंधेरे को मिटा सकते हैं? कई गरीब परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान त्योहारों पर आपकी खुशियां दो गुना कर देगी। आपका चेहरा और चमकेगा, आपका दिया और प्रकाशमान हो जाएगा, आपकी दिवाली और रोशन हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दीपावली में सौभाग्य और समृद्धि के रूप में लक्ष्मी का घर घर आगमन होता है। परंपरागत रूप से लक्ष्मी का स्वागत है। क्या इस बार हम नए तरह से लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं? हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना गया है, क्योंकि बेटी सौभाग्य और समृद्धि लाती है। क्या इस बार हम अपने प्रधानमंत्री द्वितीय कार्यकाल रे पीएम को चतुर्थ मन की बात कार्यक्रम आपण सुनुथिले एवं लता मंगेशकर को जन्मदिन रो शुभेच्छारु आरंभ करथिले मन की बात। एहा सह नवरात्र रे समस्त को शुभकामना देबा सह दीप तळ अंधारर मर्म रे लोकमान को सहाय्य करिवार परामर्श एवं वार्ता मध्य दैछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसवा परवर्त खबर को उत्तर प्रदेश रे वर्षा व्यतपात 24 घंटा हला राज्य रे प्रबल वर्षा लागि रहिछि। वर्षा जो दुई दिन रे 80 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होय सारिथिबा बेले 200 रु अधिक घर भांगिछि। लोके राहि नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइछंती। लखनऊ, अमेठी, हरदोई समेत 9 जिल्ला रे स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। आगामी 48 घंटा पर्यंत विभिन्न स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबानी पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समस्त जिलापाल मानंकु स्थिति मुकाबला दिगरे कार्यनुष्ठान ग्रहण करबा पई निर्देश देछंती। मृतकों परिवार सदस्यों मुख्यमंत्री 4 लाख टंकार क्षतिपूरण घोषणा करिछंती एवं आहतों पई मागणा चिकित्सा व्यवस्था करा जायछि। लगाण वर्षा जोगु विभिन्न स्थान रे कांथ भुसुड़ी लोकों प्राण जायछि। बिहार राजधानी पटनारे प्रलय, प्रबल वर्षा रे बदली जायछि पटनार चेहरा। लगाण वर्षा रे पूरा सहर एबे जलानब होइ पड़िछि। गाड़ी मोटर, दुकान बजार सब बंद रहिछि, नाही नथिबा असुविधा भोगुछन्ति लोके। सेबडा आसंता 3 दिन जाय राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा लागिरहेबो बोली सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। एहाकु दृष्टि रखि 15 जिल्ला रे रेड अलर्ट जारी करा जायछि। रिलीफ ओ उद्धार कार्य रे एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ रो 32 टीम नियोजित होइछन्ति। राज्य रे बन्या परिस्थितिर समीक्षा करिछन्ति बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वर्षा पई 13 ट्रेन बातिल करा जायतिबा बेले अनेक ट्रेन रो गतिपथ परिवर्तन करा जायछि। पटना
पटना में आज तीसरे दिन भी बारिश जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पटना के डीएम कुमार रवि। सर, मौसम की ओर से क्या जानकारी मिली है और आप लोगों ने क्या अपने तरफ से व्यवस्था की है? अभी सुप्रातः 6 बजे से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हो गए हैं और यहाँ पर बोट्स जो हैं तैनात कर दी गई हैं और कई जो यहाँ पर अंदर जो फंसे हुए लोग हैं जो या बाहर निकलना चाहते हैं उनको निकाला गया है। लेकिन बहुत लोग हैं जो अपार्टमेंट में अभी रह रहे हैं, उनको कुछ समस्याएं हो रही हैं, खास करके चूंकि इस एरिया में बिजली की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ कंट्रोल रूम में खबर किया है और पदाधिकारियों को भी यहाँ पर जो हमारे पेसू के पदाधिकारी उनको भी खबर किया है और प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली कनेक्ट हो। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में विशेष करके महिलाओं और बच्चे और जो वृद्धजन है उनका ध्यान रखा जा रहा है और उनको बाहर निकाल करके यहाँ बसेस की व्यवस्था की गई है, उनको स्टेशन छोड़ने का भी कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त सब्जी और दूध के लिए भी हम लोगों ने कॉम्फेड से और जो कॉपरेटिव की तरफ से लगाए गए हैं और इन सभी के द्वारा वितरण का कार्य किया जा रहा है। तो अब मौसम की ओर से क्या जानकारी मिली है, क्या अभी भी पटना में आगे कितने दिनों तक बारिश होनी है? अभी आज तक की जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से तो आज भी बारिश की संभावना है और बारिश हो भी रही है जो कंडीशन है, और इसी अनुरूप हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग की प्राथमिकता यही है कि पहले यहाँ पर एक तो जल निकासी की व्यवस्था जो है नगर निगम के द्वारा बहुत सारे जो मशीन्स हैं ये लगाए गए हैं यहाँ पर निकालने के लिए, और साथ में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सब मशीन्स हैं पहाड़ी पर हो, जो सैदपुर नाला है, ये सब जगहों से लगातार पानी निकलते रहे। रात में भी इसको चलाया गया है तो बारिश अगर थोड़ी उसमें रिलीफ होती है तो पानी के जल स्तर में निश्चित रूप से कमी आएगी। लोगों के पीने के लिए पानी की परेशानी हो रही है, इसको लेकर आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? जो लोग फंसे हुए हैं खाने के लिए परेशानी हो रही है उनके लिए क्या व्यवस्था? इसमें दो तरह की व्यवस्था की गई है। पीने के पानी के लिए यहाँ पर कुछ बॉटल्स की व्यवस्था की गई है जो अभी उसका कार्य शुरू होने वाला है और कुछ पाउचेस की व्यवस्था की गई है, उसका भी कार्य शुरू होने वाला है। इसके अतिरिक्त टैंकर्स की व्यवस्था की गई है लेकिन जल जमा हो चुकी है तो अंदर ले जाने में कहीं कहीं कठिनाई हो रही है, तो ये सभी अभी हम लोग कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और इसको जल्दी ही जो है इसमें लोगों को मदद जो आवश्यक है वो पहुंच जाए। तो ये थे पटना डीएम जो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैनात हैं और तैयार हैं, लेकिन बारिश जिस तरह से लगातार जारी है इससे लोगों की परेशानियां और बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज 18 इंडिया। राज्य में पानी